वातावरण में लगातार बढ़ते PM 2.5 और PM 10 को लेकर अब साउथ MCD ने भी अपनी सड़कों की सफाई मशीनों के जरिए कराने का फैसला लिया है और इसके लिए साउथ MCD ने नई 12 स्वीपिंग मशीन भी खरीदी है। आपको बता दें कि ये वो स्वीपिंग मशीन है जो कि साउथ MCD की सड़कों पर सड़कों की सफाई करेगी, क्योंकि अभी तक जो सफाई जो मैनुअली होती थी और जब सफाई कर्मचारी सड़कों पर झाड़ू लगाते थे तो उससे काफ़ी धूल उड़ती थी और वो धूल वातावरण में मिलकर वातावरण में PM 2.5 की मात्रा बढ़ाती थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो मशीन है ये जो धूल सारे झाड़ू जो चल रहा है वो सारे धूल एब्जॉर्ब कर रही है मशीन, और साथ साथ पानी जो पानी है वो भी मशीन छिड़क रही है ताकि जो धूल है वो उड़े नहीं, क्योंकि ये लगातार अभी तक जो मैनुअली सड़कों पर झाड़ू लगती थी उससे धूल उड़ती थी और कहीं ना कहीं जो प्रदूषण है वो होता था, लेकिन अब जो है मशीन पानी भी छिड़क रही है और सड़कों की सफाई भी कर रही है ताकि जो मिट्टी है वो उड़े नहीं। और यहाँ बैठे आप देख सकते हैं कि सड़क को बिल्कुल साफ कर दिया गया है, ये साउथ MCD ने इसलिए किया है ताकि जो PM 2.5 की जो मात्रा बढ़ रही थी वो उसको कम करने के लिए। हमारे साथ सेक्शन इंजीनियर है साउथ MCD के, बताइए कि जो मैनुअली सफाई होती थी उससे क्या दिक्कत आ रही थी और मशीन से क्या फ़ायदा होगा? मैनुअल सफाई में धूल ज़्यादा उड़ती थी, इसमें धूल पानी का स्प्रिंकल होता है इसलिए धूल कम उड़ती है। तो ये कितनी मशीनें हैं कि, क्योंकि साउथ MCD बहुत बड़ी है, कहाँ कहाँ काम करेगी, क्या टाइमिंग है इसकी? ये हमने अभी रिसेंटली 12 मशीन लिए हैं और इनमें से 3 मशीन पर जो हम चला रहे हैं अभी। तो जो पॉल्यूशन में लगातार मिट्टी के कण बढ़ रहे हैं, क्या लगता है कि इससे कम होंगे? नहीं, इससे श्योर, इससे जरूर कम होंगे। तो आपको बता दें कि ये साउथ MCD की पहल है कि जिस तरह से वातावरण में मिट्टी के कण बढ़ रहे हैं उसको कम करने के लिए, क्योंकि ये लगातार शिकायतें आ रही थी कि जब सड़कों पर झाड़ू लगती है तो सफाई कर्मचारी अपने झाड़ू के साथ साथ मिट्टी भी उड़ाते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि जिस जगह पर ये मशीन चली है वो सड़क साफ हो गई है और क्योंकि ये पानी भी छिड़क रही है तो इसीलिए ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो झाड़ू लगने के बाद मिट्टी उड़ती है वो इस पानी से बैठ जाएगी और नहीं उड़ेगी। हालांकि ये मशीनें रात को चलेंगे क्योंकि इनकी जो स्पीड है 5 किलोमीटर की जो स्पीड है वो तय की गई है ताकि सड़कों की सफाई अच्छी से हो सके, और क्योंकि ये मशीनें सड़कों पर काफ़ी धीरे चलती हैं इसलिए जाम की समस्या ना हो, इसलिए इन मशीनों को रात को चलाने का फैसला लिया गया है। कैमरामैन कपिल के साथ विनय सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।